हमारा फेस ही हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन डालता है, लेकिन फेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे दांत। इसलिए ही दांतों का ध्यान भी बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहिए जैसे हम अपने पूरे फेस का रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली बेसिस पर दांतों का ट्रीटमेंट कराएं। इसके लिए हमारे किचन में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जो हमें दांतों के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में हेल्प करती हैं। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सभी के किचन में इजीली अवेलेबल होती है, जिससे दांतों के अलावा भी बहुत सी बीमारियों में आराम मिलता है, पर दांतों के लिए ये कमाल का नुस्खा हो सकती है। दांत का दर्द हो या कोई और डेंटल प्रॉब्लम, इसके यूज से आप नेचुरली दर्द में आराम देख पाएंगे। तो बात करते हैं क्लोव यानी लौंग के बारे में कि कैसे ये हमारे दांतों के लिए बेनिफिशियल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आओ बातें करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लोव यानी लौंग से जुड़े कुछ बेनिफिशियल फैक्ट्स के बारे में जो हमारे दांतों के लिए बहुत यूजफुल हैं। दांतों के दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए क्लोव यानी लौंग चबानी चाहिए। जी हाँ, दांत के दर्द से परेशान लोगों के लिए लौंग एक कमाल का नुस्खा साबित हो सकता है। हम सभी ने लौंग के इस नुस्खे के बारे में अपने बड़ों, दादी या नानी को बताते हुए जरूर सुना होगा। दांत में होने वाले दर्द से छुटकारा पाने का ये बहुत पुराना तरीका है जिसे हम सब भारतीय हमेशा से अपनाते रहे हैं। हमारे किचन में आसानी से मिलने वाले लौंग के दाने ओरल हेल्थ को सुधारने में भी मदद करते हैं। जी हाँ, लौंग का यूज हम खाने को टेस्टी बनाने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जा सकता है। लौंग ओरल हेल्थ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ओरल हेल्थ के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लौंग या क्लोव में एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया से लड़ने वाले, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाले और दर्द निवारक एलिमेंट्स होते हैं जो इस मसाले को नेचुरली दर्द से राहत दिलाने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दांत का दर्द अक्सर कीटाणुओं, कैविटी या सड़न जैसे कारणों से होता है, इसीलिए लौंग का इस्तेमाल करने से दांतों के दर्द से न केवल राहत मिलती है बल्कि दांतों की सड़न और बैक्टीरिया को भी कम करने में मदद मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का यूज कैसे करें कि दर्द में आराम मिले। देखिए, वैसे तो दर्द में तुरंत आराम देने के लिए बहुत सी मेडिसिन और पेन किलर भी आती हैं, लेकिन जितने इनके फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। अब लौंग तो एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। अगर आप सोचे कि लौंग खाई और तुरंत आराम हो गया तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि नेचुरल चीजें थोड़ा आराम से ही वर्क करती हैं। चलिए अब मैं बता देती हूँ कि लौंग का यूज करना कैसे है। अगर दांत में दर्द हो तो लौंग के एक दो दाने दांतों के बीच में दबा कर रखें, इससे धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है। साथ ही लौंग से निकलने वाला रस मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है जिसके कारण इन्फेक्शन से भी बचने में आसानी हो जाती है। लौंग का तेल भी बहुत बेनिफिशियल होता है। यह एसेंशियल ऑयल औषधीय गुणों से भरपूर होता है जो लौंग के गुणों से हमें दांतों के दर्द से आराम दिलाता है। एक रुई के टुकड़े को लेकर गोल आकार दें, उसमें लौंग के तेल की 3 बूंद डालें। इसे उस दांत पर रखें जहां दर्द हो रहा हो। इसे दांतों के बीच मजबूती से पकड़ कर रखें। जब लौंग के तेल के केमिकल लार के साथ मिलकर धीरे धीरे रिसना शुरू करेंगे तो आपको दर्द से राहत मिलेगी। लौंग को ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर भी यूज किया जा सकता है। 5-6 लौंग के दाने लेकर उसका पाउडर बनाएं, इसे ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स करें। जब दांतों में दर्द हो तो इस पेस्ट को सीधा दर्द वाले दांत या कैविटी पर रखें, इससे आपको काफी आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लौंग से जुड़ी जानकारी आप अपने अपनों को भी जरूर देंगे ताकि उनके दांत स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें। थैंक यू।